तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा। आपके अपने YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स फाउंडेशन, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला अलक पांडे सर की। बेटा इन्होंने अपना एक मॉड्यूल एक क्या बॉस में निकाल दिया है अब तो, लेकिन ये मैंने एक मंगाया था अपनी सिस्टर के लिए। सिस्टर मेरी अब 12th में है, तो उसमें मैं आज बेटा मैथ्स मॉड्यूल के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि इनका मॉड्यूल कैसा है कैसा नहीं है। देखिए ये आपके मैथ्स में 4 मॉड्यूल हैं, फिर एक इसका सॉल्यूशंस दे रखा है। अब मॉड्यूल की हम बात करते हैं, मॉड्यूल के बारे में तो आप देखेंगे, जैसा कि बेटा बहुत जल्दी हम बात करते हैं आपको। ये आपका मैथ्स का मॉड्यूल 1 है। सबसे पहले इसका आप देखें, बहुत पतला सा है, आपको देख के लगेगा कि नहीं ये वो नहीं है जिससे हम IIT निकाल सकें, JEE मेन क्लियर कर सकें। आपको लगेगा नहीं ये वो नहीं है, लेकिन आप यहीं पे गच्चा खाएंगे बेटा, ऐसा नहीं है। ये देखने में भले ही पतला है, बट इसका कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। हाँ पेज की क्वालिटी आप कह सकते हैं कि थोड़ी 19 है, लेकिन जो कंटेंट है बेटा वो लाजवाब है, कंटेंट लाजवाब है। आपको आप यकीन मानिए मेरा, मैं अपनी पर्सनल राय अगर आपको दूँ तो बेटा जो भी बच्चे 11th में आए हैं उन्हें 11th का परचेज़ करना चाहिए, और जो 12th में आए हैं उनको 12th का तो परचेज़ करना ही चाहिए। अगर वो JEE की कर रहे हैं तो JEE का ले सकते हैं, NEET की कर रहे हैं तो NEET का ले सकते हैं। देखिए चैप्टर्स के बीच में उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, थ्योरी कंसाइज करके दी है, बहुत अच्छा, ज़्यादा भीड़ नहीं है थ्योरी की। और उसके बाद सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें ये प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बी परफेक्ट। कितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज लेवल अभी 1 है, लेवल 2 भी ये देते हैं, लेवल 2, उसके बाद ये आपको देते हैं लेवल 3 भी देते हैं, लेवल 3 के बाद ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेवल 4 देते हैं। और बेटा लेवल जो 4 है इसमें आपको JEE के प्रीवियस ईयर पेपर्स के कोई क्वेश्चन हैं उस रिगार्डिंग चैप्टर से वो आपको करने होते हैं, और इसमें फिर एडवांस के भी आ जाते हैं, देखेंगे आप ये क्वेश्चन। तो ये इसका बहुत ज़बरदस्त इसका कंटेंट है कि इन्होंने पिछले साल के JEE के पेपर भी डाल रखे हैं, प्रैक्टिस पहले कराते हैं काफ़ी। और देखिए JEE एडवांस 2014, JEE एडवांस 2015, IIT JEE 2012, तो आप देखें उसके बाद इन्होंने आंसर की दे रखी है। सबसे बहुत बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि इन्होंने आंसर की दे रखी है बाद में। और इसका फ़ायदा क्या होगा बेटा, आप जब इसके आंसर लिखेंगे तो आप इसके आंसर सिर्फ ऐसा नहीं कि एक एक देखेंगे फिर पीछे से लिखेंगे, ऐसा मत करना। आप एक पेज पे कॉपी पेपर लिख लें, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपने करने हैं उनके आंसर लिखते चलें, इसका पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, जो भी आपको लगता है, देन आप आंसर की से मैच करें। सर आंसर की से तो हो जाएगा, लेकिन हमें अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत है हम सही कहाँ से देखें, इसके लिए इन्होंने क्या एक बहुत बढ़िया, देखिए पहले तो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 ऐसे ही मैथ्स के चैप्टर्स हैं इसमें, मॉड्यूल 3 वेक्टर एलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री, बहुत ही बारीक सा है, देखिए कितना पतला सा है, इत्तू सा है, इत्तू सा, वो कपिल के शो में दादी कहती थी ना। ये मॉड्यूल 4 है, ये भी बहुत पतला सा है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा मॉड्यूल भले ही पतले लेकिन जान है कंटेंट में, जान। और ये है बेटा सॉल्यूशंस, अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो बेटा इसका सॉल्यूशन देख सकता है। सॉल्यूशन यहाँ पूरे देखिए दिखा रखे हैं, जैसे कि ये है कोई क्वेश्चन तो देखिए सॉल्यूशन उसका 3rd पार्ट सही है, और देखिए सॉल्यूशन करके दिखा रखा है। अब अगर आपको सॉल्यूशन से भी संतुष्टि नहीं होती है तो बेटा आप देखिए इसके इसमें दे रखा है अपना QR, ये इस स्कैन इसको कोड को स्कैन करेंगे तो आप इनका क्या ऐप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से भी आप अपनी वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ये इसलिए है क्योंकि इनकी वीडियोज़ के साथ सिंक्रोनाइज वे में आप अपना वर्क कर सकते हैं। इन्होंने बोला भी था कि ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील, ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील, तो आप जो वीडियो में करा रहे हैं आप उसे अपने घर पे कर सकते हैं। और इन सर के बारे में क्या कहें, सभी जानते हैं, आप पढ़ ही सकते हैं, बाकी ये लिखा हुआ इनके बारे में नहीं है, ये समझ लो ये बहुत ऊपर है इससे। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, अभी ये मैंने मैथ्स का किया है, टाइम कम है, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी आपको देख के बताऊंगा कि कैसा इनका कंटेंट है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, लाजवाब, लाजवाब कंटेंट है। थैंक यू वेरी मच बेटा।